तीसरे मुलाजा फरमाएं कि अदाए शाह से अच्छी कोई बहार नहीं, अदाए शाह से अच्छी कोई बहार नहीं, जो इस चमन में ना आए वो होशियार नहीं। अदाए शाह से अच्छी कोई बहार नहीं, जो इस चमन में ना आए वो होशियार नहीं। ओ गमे हुसैन के ये हुक्म से निकलते हैं, गमे हुसैन के ये हुक्म से निकलते हैं, इन आंसुओं पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। गमे हुसैन के ये हुक्म से निकलते हैं, गमे हुसैन के ये हुक्म से निकलते हैं, गमे हुसैन के ये हुक्म से निकलते हैं, इन आंसुओं पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। चार मिसरे और पुराने के खैच कर एक खत जमी पर क्या किया अब्बास ने, खैच कर एक खत जमी पर क्या किया अब्बास ने, बंद बैत का किया है रास्ता अब्बास ने, बंद बैत का किया है रास्ता अब्बास ने, और रास्ते को रोकने की हुर सजा पाता मगर, रास्ते को रोकने की हुर सजा पाता मगर, जानते थे आएगा जाने दिया अब्बास ने, रास्ते को रोकने की हुर सजा पाता मगर, रास्ते को रोकने की हुर सजा पाता मगर, जानते थे आएगा जाने दिया अब्बास ने। सलाम के चार पांच शेर नारायण सलवाद साहिबा साहब के आगे मिसरा है कि शिद्दते गम की तपिश थी होश में दरिया न था, शिद्दते गम की तपिश थी होश में दरिया न था, प्यास के शोले थे पानी गर्म था ठंडा न था, प्यास के शोले थे क्या पानी गर्म था ठंडा न था। वो शेर खास तौर से मुलाजा फरमाए कि करबला इस वास्ते शय को खुदा ने सौंप दी, करबला इस वास्ते शय को खुदा ने सौंप दी, कायनाते सब्र में ऐसा कोई बंदा न था। करबला करबला इस वास्ते शय को खुदा ने सौंप दी, करबला इस वास्ते शय को खुदा ने सौंप दी, कायनाते सब्र में ऐसा कोई बंदा न था, कायनाते सब्र में ऐसा कोई बंदा न था। कि करबला इस वास्ते शय को खुदा ने सौंप दी, कायनाते सब्र में ऐसा कोई बंदा न था, कायनाते सब्र में ऐसा कोई बंदा न था। और ये भी शेर मुलाजा हो कि करबला में यूं किताबे जिंदगी लिखी गई, करबला में यूं किताबे जिंदगी लिखी गई, मर्जी माबूद का कोई वरख सादा न था। करबला में यूं किताबे जिंदगी लिखी गई, मर्जी माबूद का कोई वरख सादा न था। ये भी शेर मुलाजा फरमाए कि सब्र सब्र की उस इंतहा पर थे कदम शब्बीर के, खास तौर से कि सब्र की उस इंतहा पर थे कदम शब्बीर के, जिसके आगे ज़हने इंसान ने कभी सोचा न था। सब्र की उस इंतहा पर, सब्र की उस इंतहा पर थे कदम शब्बीर के,
जिसके आगे ज़हन इंसान ने कभी सोचा न था। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि इसलिए अब्बास ने आका को भाई कह दिया, कि इसलिए अब्बास ने आका को भाई कह दिया, तरके औला का भी दामन पर कोई धब्बा न था। इसलिए अब्बास ने आका को भाई कह दिया, इसलिए अब्बास ने आका को भाई कह दिया, इसलिए अब्बास ने आका को भाई कह दिया, तरके औला का भी दामन पर कोई धब्बा न था, तरके औला का भी दामन पर कोई धब्बा न था। शेर और मुलाहिज़ा फरमा लें कि ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए कि हजरत अब्बास को देखा तो पहचानी गई, कि हजरत अब्बास को देखा तो पहचानी गई, वरना दुनिया में वफा का कोई भी चेहरा न था। हजरत अब्बास को देखा तो पहचानी गई, हजरत अब्बास को देखा तो पहचानी गई, वरना दुनिया में वफा का कोई भी चेहरा न था, वरना दुनिया में वफा का कोई भी चेहरा न था। आखिरी दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, छोड़ रहे हैं बहुत हैं शेर, ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि कितना इत्मीनान था चुल्लू से पानी फेंक कर, कि कितना इत्मीनान था चुल्लू से पानी फेंक कर, खेमे शब्बीर में जैसे कोई प्यासा न था। कितना इत्मीनान था चुल्लू से पानी फेंक कर, कितना इत्मीनान था चुल्लू से पानी फेंक कर, खेमे शब्बीर में जैसे कोई प्यासा न था। कितना इत्मीनान था चुल्लू से पानी फेंक कर, कितना इत्मीनान था चुल्लू से पानी फेंक कर, खेमे शब्बीर में जैसे कोई प्यासा न था, खेमे शब्बीर में जैसे कोई प्यासा न था। और आखिरी शेर है कि बेड़ियां थी तौक था सज्जाद फिर भी मुतमईन, बेड़ियां थी तौक था सज्जाद फिर भी मुतमईन, शुक्र के सजदे थे होठों पर कोई शिकवा न था, शुक्र के सजदे थे होठों पर कोई शिकवा न था। और मक्ता भी खास तौर से मुलाहिज़ा फरमा लें कि हक समझने के लिए दीवाने सरवर बना, हक समझने के लिए दीवाने सरवर बना, इससे पहले तो रजा बहलोल था दाना न था। हक समझने के लिए दीवाने सरवर बना, हक समझने के लिए दीवाने सरवर बना, हक समझने के लिए दीवाने सरवर बना, इससे पहले तो रजा बहलोल था दाना न था, इससे पहले तो रजा बहलोल था।